अज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह। आज मौजूद हूं मैं सरगोधा के नवाही इलाका गैमन बस्ती में। पाकिस्तान के मर्द वजूद में आने के बाद आज से तकरीबन 60-70 साल पहले मंगला और तरबेला डैम की तमीर शुरू की गई। तो उस तमीर में इस पत्थर कैरेज करने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आई जिसका नाम था गैमन कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उन्होंने अपने मज़दूरों और अफ़ीसर्स की रिहाइश के लिए और स्टाफ की रिहाइश के लिए एक बस्ती तमीर की गई जो आज वीरान है और मुकम्मल वीरानी का मंजर पेश कर रही है। और इसमें अब कोई भी नहीं रहता और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये हवाई मखलूकात के बसेरे हैं और या जंगली जानवरों के। तो लोग यहाँ दिन को भी नहीं आते। आज हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ आपको कोई बशर घूमता कोई जानवर जो है ना वो पालतू जानवर नज़र नहीं आएगा। जंगली जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और ये वीरान है और इसकी पुरसरारियत है, ये सारा कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। तो आइए हमारे साथ। अंग्रेज़ों के जाने के बाद अब ये बस्ती इतनी वीरान हो चुकी है कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं आता। सारे घर वीरान हैं। यहाँ पर घरों की तादाद भी इतनी ज़्यादा है कि वो गिनती भी नहीं होती। और आप ये नीचे देखें तो सारे कांटे बिखरे पड़े हैं और गुज़रने का रास्ता तक नहीं है। जब ये एक निशानी है कि यहाँ पे अब कोई नहीं आता। अगर कोई आता जाता रहे फिर तो रास्ता बना रहता है। और यहाँ पे जंगल सारा उगने की वजह से सारे कांटे भी बिखरे पड़े हैं जिसकी वजह से हमारे काफ़ी हद तक पाँव भी ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये इसकी मेन स्ट्रीट्स हैं इस गैमन बस्ती की। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि गैमन का मतलब क्या होता है। गैमन का मतलब है कि सुअर की नमक लगी हुई रोस्ट शुदा टांग। ये इस गैमन का लफ्ज़ी मैंने है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो देख रहे हैं ये पीछे सड़क है जो इस बस्ती को एक दूसरे से मकान से कनेक्ट करने के लिए बनाई गई। यहाँ पे ए टाइप बी टाइप सी टाइप इस तरह के मकान और बंगलास बनाए गए। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक दूसरी सड़क है और पीछे सारी बस्ती वीरान हो चुकी है। लोग अब दिन को भी यहाँ पे नहीं आते क्योंकि यहाँ पे बहुत पुरसरार चीज़ें और जिनाद, जैसा कि हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि यहाँ पर जिस घर में 40 दिन तक वो लाइट ना चले तो वहाँ पे वैसे ही वह ऐसी चीज़ें बसेरा कर लेती हैं। तो ये मुकम्मल अब बस्ती वीरानी और बेसरो समानी का मंजर पेश कर रही है। मज़ीद आपको दिखाते हैं इनकी सीवरेज और गलियाँ और इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम था वो भी आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं किसी मकान के अंदर जाके वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। उस दौर के बिजली के पोल्स अब ज़्यादा बाकी नहीं रहे, ज़्यादातर गल सड़ चुके हैं या फिर चोरी हो चुके हैं, अब चंद एक बाकी हैं। जब इस बस्ती की तमीर की गई तो ये तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 25 से 30 एकड़ में इस बस्ती को आबाद किया गया। और ये आज मकान आज जो हैं ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मुकम्मल वीरान हो चुके हैं। ये इस साइड पे हैं ये सारे मकान, और वो पीछे मकान है और ये एक मकान है ये भी वीरान हो चुका है। तो ये आज खस्ता हाली का वो जो है ना मंजर पेश कर रहे हैं। तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बड़ों और बच्चों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल भी तमीर किए गए जो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे और टूट फूट का शिकार हो गए हैं। ये जिस जगह पे मैं अब खड़ा हूँ ये एक छोटी सोलंग वाली सड़क है। उस दौर में ये तमीर की गई थी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये ईंटों का सोलंग उस दौर में जो है वो बनाया गया था। और इसके साथ ही बिल्कुल ये निकासी का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम था जो उस दौर में इसका ख्याल रखा गया, इसको बनाया गया जिसमें अब जंगली जानवर और चूहे वगैरह घूम रहे हैं। और ये दूसरी साइड पे ये भी मेन एक इनका निकासी का सीवरेज का सिस्टम था जो उस दौर में तामीर किया गया। यहाँ पे बिजली का उस दौर में बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। उस दौर में इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पे नस्ब किए गए, पूरी बिजली के कनेक्टिविटी थी। लेकिन उससे पहले आपको इस बंगला के अंदर ले चलते हैं, अंदर का आपको सीन दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, आइए आपको एक झलक इस मकान के अंदर से भी विज़िट करवाते हैं। वैसे यहाँ पे वही मखलूकात के बसेरे होते हैं लेकिन मेरा ईमान है बहसीत मुसलमान जब आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला हिफाजत करता है। बाकी दूसरे मजाहब वाले दोस्तों का एक अपना कीदा है। तो आइए आपको अंदर से एक विज़िट करवाते हैं। उस दौर में अंग्रेज़ों की एक अपनी ही वो साइकी होती है, वो अपने हिसाब से मकान बनाते हैं। तो वो आज भी वो चार दीवारी घर की नहीं बनाते जिस तरह हम पाकिस्तानी इंडियंस लोग बनाते हैं। तो ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक मकान का बरामदा कह लें, हॉल कह लें, लॉबी कह लें। और ये एक इनका ड्राइंग रूम था मेहमानों के आने के लिए, मेहमानों के बिठाने के लिए एक छोटा सा था। ये ऊपर सारे वेंटिलेशन का देखें बड़ा ज़बरदस्त वो किया गया अरेंज। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे ये उस वक्त विंडो एसी होते थे उसका अरेंज किया गया। इलेक्ट्रिसिटी का पुराना निज़ाम मौजूद है।
ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ ये एक छोटा सा रूम है जो आजकल के दौर में भी हम बनाते हैं। ये कपड़ों के लिए कपबोर्ड, ये एक छोटा सा रूम है ड्रेसिंग के लिए, जूतों के लिए, और इसके ये सारी अलमारी बनी हुई हैं। और ये इसके बिल्कुल साथ ही जो अटैच वाशरूम है, मैं वैसे ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं पसंद करूँगा क्योंकि यहाँ ऐसी चीज़ें हंटेड होती हैं और वैसे भी मुझे ऐसी खौफ की फीलिंग सी आ रही है, तो यहाँ से निकलते हैं। ये इस वक्त मैं मरकज़ी इनके बेडरूम में मौजूद हूँ, साथ में इसके अटैच वाशरूम है, इस साइड पे वो कबर्ड की जगह है। तो बाहर चलते हैं, आपको बाहर बरामदा भी इनका दिखाते हैं जो उसी मकान की मैं बैक साइड पे हूँ। और इस मकान के मतलब या इस तरह के हमने एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा बंगला है अंग्रेज़ अफसर का ना, वो पुरस्कार बंगला जो इनका इंचार्ज था, उसकी हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, वो भी इंशाल्लाह हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। उसमें आपको तफसीलन डिटेल सारी वो इसमें दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या सहूलियात थी और कैसे इनकी शान शौकत थी, वो इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल दिखाएंगे। ये इस बस्ती की मेन शहर है और यहाँ पे सारा देसी कीकर का जंगल उग चुका है और यहाँ पे आने का रास्ता बड़ा ही महदूद हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हम भी कांटों से बच बचा कर इसमें दाखिल हुए। यहाँ पे अब जंगली जानवरों के बसेरे हैं जिनमें गीदड़, सूअर, सांप, चूहे, शेर, नेवला और इसके अलावा बेशुमार हशरात की अकसाम यहाँ पे अब मौजूद हैं। जब हम इस बस्ती में दाखिल हो रहे थे तो जो भी हमें देखता था हैरान परेशान हो जाता था कि ये कौन लोग हैं और किधर जा रहे हैं। आप अब ये देखें कि ये दिन का वक्त है और जिधर भी नज़र घुमाएं कोई भी इंसान आपको नज़र नहीं आएगा। हु का आलम है, ये सारी वीरान और पुरसरार बस्ती आपके सामने है। इस बस्ती का एक सरकारी गार्ड भी यहाँ पे मौजूद होता है और वो भी बाहर कॉर्नर पे एक मकान है उस पे बैठता है और अपनी ड्यूटी पूरी करता है, अंदर कमों पे इसी चक्कर लगाता है और वो चला जाता है। मैं हैरान हूँ कि तकरीबन 60-70 साल गुजर चुके हैं इस बस्ती को वीरान हुए अंग्रेज़ों के जाने के बाद, हुकूमत पाकिस्तान ने इसको आबाद करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया और कोई इस पर तवज्जो नहीं दी और इस अच्छी खासी प्रॉपर्टी को, असासे को वीरान और खंडरात में तब्दील कर दिया। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हालांकि इस बस्ती को आबाद करके सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर अफसोस अब ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है और आप इसमें ज़्यादातर जानवरों के वो आपको बिल ही देखने को मिलेंगे और जानवरों ने यहाँ पे बसेरा कर रखा है। अब इस वीरान और पुरसरार बस्ती में आपको ज़्यादातर दो किस्म की मखलूकात देखने को मिलेंगी, एक तो जंगली जानवर आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगे और दूसरा यहाँ पे पुरसरार और वीरान मकानात में हवाई मखलूकात के डेरे। उजड़े महल ते सुंजिया ने गलियाँ, मालका ने कदों दियाँ कब्रां ने मलियाँ। आज के जो मकानात के बासी थे आज वो कब्रों के नीचे मनो मिट्टी के नीचे सो चुके हैं। ये हमारे ये लम्हा फिक्रिया, उस दौर में उन्होंने देखें अपनी हर सहूलत का ख्याल रखा और यहाँ पे इन्होंने अपनी जदी उस दौर में जदीद इलेक्ट्रिसिटी का, सीवरेज का, सड़कों का निज़ाम रखा और अपनी सहूलियात के लिए इन्होंने हर एक चीज़ को वसाइल को बुरे कार लाए। तो आज ये सब कुछ वीरान पड़ा है, यहाँ पे आज दिन को भी कोई नहीं आता, ये सारी वीरान हो चुकी है। ये महकमा वापटा पाकिस्तान के अंडर है, ये सरगोधा में लोकेशन है। कोई दोस्त भी यूट्यूबर अगर कोई वीडियो बनाना चाहता हो तो फ्रेंडली वेलकम, मैं उसको यहाँ का विज़िट करवा दूँगा। लेकिन ये एक दिन को भी मुश्किल तमाम घूमने की जगह, रात को तो आना यहाँ पर नामुमकिन है, हंटेड सी प्लेस है। अच्छा, एक बात और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इन्होंने उस दौर में अपनी सहूलत अय्याशी के लिए अंग्रेज़ों ने एक क्लब बनाया था, ये सामने है। इंशाल्लाह इसकी एक मुकम्मल भरपूर वीडियो, काफ़ी बड़ा है, तो इसकी एक मुकम्मल वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।